नमस्कार, मैं हूँ विनोद। जी हाँ, विनोद। अब मैं भी विनोद हूँ, क्योंकि अब सब विनोद बन गए हैं। ये विनोद नाम का रायता इतना फैल चुका है कि अब इसको समेटना भी मुश्किल है। अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम पर सक्रिय हैं तो आप एक नाम जरूर देख और सुन रहे होंगे, और वो है विनोद। लेकिन ये विनोद कौन है जिसके नाम से हजारों की संख्या में मीम्स, फोटो, चुटकुले ट्विटर और फेसबुक पर हर घंटे हजारों की संख्या में किसी विस्फोटक की भांति लगातार बरसाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर फेसबुक पोस्ट हो या फिर कमेंट बॉक्स, हर जगह एक ही नाम है और वो है विनोद। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये है कौन, कोई है भी या वैसे ही। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये विनोद नाम की बीमारी आखिर है क्या। विनोद सोशल मीडिया में ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है जैसे पहले एक बार प्रिया प्रकाश की वीडियो ट्रेंड हो गई थी। लेकिन विनोद के मामले में खास बात यह है कि विनोद का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। विनोद कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है। एक वीडियो के नीचे किए गए बस एक कमेंट ने उसको ट्रेंड में ला दिया है। ये कमेंट उसने एक वीडियो पर किया था। यूट्यूब पर एक स्ले पॉइंट नाम का चैनल है जो हंसी मजाक और रोस्टिंग वीडियो बनाता है। ये पूरा खेल उन्हीं की वीडियो से शुरू हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि किस किस तरह के कमेंट लोग वीडियोस पर करते हैं, जिनका वीडियो के कंटेंट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। अजीब और बेमतलब के कमेंट करते हैं। कैसे कैसे कमेंट होते हैं आपने भी देखा होगा। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये हमारी फलानी वीडियो का लिंक है, आप इधर जाइए, पैसे कमाइए। उसका कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता, लोग कमेंट बॉक्स में अपनी ही बातें करते हैं। तो ऐसी ही कमेंट्स पर स्ले पॉइंट ने इस वीडियो को बनाया था। इसमें उन्होंने विनोद थारू नाम के एक व्यक्ति का एक वीडियो पर किया कमेंट दिखाया था। विनोद थारू ने बिना वीडियो के बारे में कुछ कहे कमेंट सेक्शन में लिख दिया विनोद, यानी कि अपना नाम, जिस नाम से उसका यूज़र अकाउंट था। इसी वीडियो से किसी ने विनोद को लेकर मजाक या कमेंट किया, और फिर धीरे धीरे विनोद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फेसबुक, ट्विटर पर तो विनोद को लेकर चुटकुले शेयर हो ही रहे हैं, यूट्यूब पर लोग जाकर कमेंट सेक्शन में खूब विनोद विनोद लिख रहे हैं। चारों तरफ विनोद ही विनोद है। अब खुद विनोद को भी लगने लगा होगा कि साला अपरिचित भगवान है, क्योंकि हर तरफ विनोद हो रहा है। वैसे विनोद थारू ने यह कमेंट काफ़ी पहले किया था, और इस कमेंट के लिए स्ले पॉइंट ने वीडियो भी 15 जुलाई को बनाई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड अब हो रहा है, इसे लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। ये विनोद का नाम का यूज़र असल में है कौन, ये तो अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह विनोद नाम का स्यापा शुरू यहीं से हुआ था। विनोद का वो बेमतलब का कमेंट ही इस समय उसकी पहचान बन गया है। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में वीडियो के नीचे कुछ लोग बेमतलब के कमेंट करते हैं और ये मीम्स भी उसी वजह से बनते हैं? अगर आपकी राय यही है, और आपकी राय विनोद के विषय में क्या है, बिना विनोद लिखे सही बात लिखें, विनोद ना लिखें, तो हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करें। कोशिश करें कि विनोद ना लिखें बल्कि हकीकत बात हमको बताएं। धन्यवाद।